कैलाश पर्वत, कोई कहता है कि ये एक बहुत पुराना पिरामिड है, तो कोई कहता है कि ये ब्रह्मांड का केंद्र है, यहाँ एलियंस हैं। अब ये हैं सारे मिथक। असलियत पता करने के लिए क्या ज़रूरी है कि कैलाश पर जाकर कोई देखे, शिखर पर जाके देखे। लेकिन यही खास बात है इस पर्वत की कि यहाँ आज तक कोई चढ़ नहीं पाया शिखर तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौके नहीं आए। सर्गेई सिस्टियाकोव एक रूसी पर्वतारोही थे, वो बताते हैं कि जब वो कैलाश के शिखर पर चढ़ने के बेहद करीब थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वापस लौटना पड़ा। एक अन्य पर्वतारोही थे कर्नल आर सी विल्सन, ये बताते हैं कि जैसे ही वो शिखर पर चढ़ने लगे, अचानक भारी बर्फबारी होने लगी। और ऐसे कई और किस्से हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कैलाश पर्वत का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे कि कैलाश पर्वत का महत्व बौद्ध, सिख, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी है। नज़दीकी रिश्ता है इन धर्मों का भी। क्या है कैलाश पर्वत की कहानी और क्या किस्सा है मानसरोवर झील का, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कैलाश पर्वत के बारे में कालिदास लिखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में वहाँ एक महान पर्वत खड़ा है, बर्फ के स्वामी राजसी समुद्र में जड़े जमाए हुए इसका शिखर बादलों से घिरा हुआ है, समस्त सृष्टि के लिए एक मापक छड़ी है। अब ये कैलाश का वर्णन है। हालांकि जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, असल में वो कैलाश रेंज की एक चोटी का नाम है। इस रेंज में कई और चोटियां हैं, मसलन कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है लुनपो ग्रंगरी, जिसकी ऊंचाई 23,278 फीट है। इसके बाद आती है वो चोटी जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं, यानी कैलाश पर्वत कैलाश रेंज की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ये पर्वत भारत, चीन और तिब्बत की सीमा के ट्राई जंक्शन से लगभग 100 किलोमीटर दूर चीन द्वारा शासित तिब्बत में स्थित है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई है 22,028 फीट। तिब्बत के स्थानीय लोग इसे कांग रिनपोचे कहते हैं। इसे माउंट मेरू भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का घर। मान्यताओं की बात करें तो हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना गया है। हिंदुओं में कैलाश को भगवान शिव का घर माने जाने के साथ सती की शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा होती है उसकी, पर्वत की। साथ ही कैलाश का वर्णन शिवपुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। यहाँ इसे पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता बताया गया है। कैलाश पर ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती भी हैं जो इन सब धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं को बल देती लगती हैं। जैसे मौन धर्म के लोग इसे स्वास्तिक पर्वत भी कहते हैं और मानते हैं कि पर्वत के दक्षिण मुख पर स्वास्तिक का निशान है। दूसरे धर्मों में भी इनका काफ़ी महत्व है। जैन धर्म में इसे भगवान ऋषभदेव, जैन धर्म के जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, उनके निर्वाण की जगह के रूप में माना गया है। कैलाश पर्वत को ही जैन धर्म में अष्टपद के नाम से बुलाया गया। इसके अलावा सिखों में मान्यता है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक यहाँ आए थे। कैलाश पर्वत का एक रिश्ता बौद्ध धर्म से भी है। हमने अभी बौद्ध धर्म की बात की, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। हमने भी कुछ देर पहले बताया कि कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया, लेकिन ये बात स्थानीय बौद्ध लोग नहीं मानते। उनकी लोक कथाएं कहती हैं कि मिलारेपा नाम के एक बौद्ध मुनि तिब्बत पहुंचे। अब इनका सामना हुआ नारो बौद्ध चुंग से, जो तिब्बत के पारंपरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा धर्म बड़ा, किसका रास्ता सही, ये तय करने के लिए दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ। कहानी कहती है कि जब बहुत देर बाद भी दोनों में से एक जीता नहीं, एक नई शर्त लगी, जो कैलाश पर्वत की चोटी पर पहले पहुंचेगा वो जीता माना जाएगा। कहानी कहती है कि नारो बोनचुंग एक जादुई ढोल पर बैठकर कैलाश की तरफ उड़ चले, जबकि मिलारेपा वहीं ध्यान करते रहे। लोगों को लगा कि मिलारेपा हार जाएंगे। बोनचुंग चोटी के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे, लेकिन तभी अचानक सूरज की एक किरण पर सवार होकर मिलारेपा कैलाश की चोटी पर पहले पहुंच गए। इसी तरह बौद्ध धर्म की जीत मान ली गई। बौद्ध धर्म में कैलाश की बहुत मान्यता भी इसीलिए है। बौद्ध धर्म में इसे डेमचोक और दोर्जे फागमे का निवास बताया गया है। डेमचोक बौद्ध धर्म में तंत्र के देवता हैं, वहीं दोर्जे फागमो तिब्बत में सबसे ऊंची महिला अवतार हैं। यहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, उनके लिए भी कैलाश का काफ़ी महत्व है। कैलाश को बौद्ध धर्म में टिसे पर्वत कहा जाता है। इसे आकाश देवी, सिपाहीमैन के सिंहासन के रूप में देखा जाता है। ये सब
धार्मिक मान्यता है, इनके अलावा कुछ मिथक हैं जो इंटरनेट के दौर में कैलाश पर्वत से जुड़ते गए। मसलन दावा करने वाले दावा कर देते हैं, दावा करने के तो पैसे नहीं लगते, दावा करने वाले दावा करते हैं कि कैलाश की चोटी पर रहस्यमय लाइट्स चमकती हैं, यहाँ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। एक दावा ये भी है कि आवाज़ें और रोशनी की वजह यह है कि कैलाश पर एलियंस आते रहते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि कैलाश के नीचे एक अलग शहर ही बसा हुआ है। साल 1999 में एक रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने थ्योरी दी कि कैलाश अंदर से खोखला है। उनका कहना था कि दरअसल ये एक पहाड़ न होकर 100 अलग अलग छोटे पिरामिड से मिलकर बना एक विशाल पिरामिड है जो किसी प्राकृतिक तौर पर न बना होकर इंसानों या फिर एलियंस द्वारा बनाया गया। इनके अलावा एक दावा और जो इंटरनेट पर प्रमुखता से किया जाता है वो ये है कि कैलाश पर येती रहता है, एक विशाल काय मानव बंदर या भालू जैसा कोई जीव जो बर्फ में छिपकर रहता है और कभी दुनिया के सामने नहीं आता। येती की बहुत कहानियां चलती हैं। इन सभी मिथकों का जिक्र हमने इसलिए किया ताकि जानकारी मिले, लेकिन साथ में नोट करते चले कि एस्टैब्लिश्ड साइंस के अनुसार इनमें से कोई दावा पुख्ता नहीं है। मसलन कैलाश को पिरामिड बताने वाले रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव असल में आंखों के डॉक्टर हैं, और एलियन शादी का दावा तो आए दिन इंटरनेट पर कोई भी कर देता है, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई रोकता नहीं ना एलियन की बात करने से। संभव है कि एलियंस का कोई रिश्ता कैलाश से हो, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत मिलता नहीं है ऐसा मानने की कोई साइंटिफिक वजह हमको मिलेगी नहीं। बहरहाल कैलाश के बाद आगे बढ़ते हैं एक ऐसी झील की तरफ जो कैलाश पर्वत के नज़दीक है। इसका भी धार्मिक महत्व कैलाश के ही बराबर है। हम बात कर रहे हैं मानसरोवर की। 320 किलोमीटर में फैली ये झील समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, फीट नहीं कह रहा हूँ, और 90 मीटर यह गहरी भी है। इस मानसरोवर झील का रंग नीला है, मगर सूरज की रोशनी में ये हरी भी दिखती है। आज जहाँ हिमालय हैं, हजारों साल पहले वहाँ टेथित सागर होता था, सब जानते हैं। संभवतः ये झील उसी सागर का हिस्सा रही होगी। इतने वर्षों में इसका पानी तो मीठा हो गया, मगर आज भी यहाँ ऐसे कई अवशेष मिलते हैं जो उसका सागर से उसका जो संबंध था उसकी पुष्टि करते लगते हैं। मान्यताओं का एक सिरा इस झील से भी जुड़ता है। जैसे हिंदू धर्म में इसे भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न बताया गया, मानसरोवर का अर्थ ही होता है मन का सरोवर। बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे पवित्र बताया गया है। इस झील के किनारे 5 बौद्ध मठ हैं, च्यू, गोसुल, सिरालुम, यर्नगो और ट्रुगो, ये मौजूद है वहाँ। इसके पास ही भारत की 4 सबसे प्रमुख नदियों का स्रोत भी मानसरोवर है। कैलाश के दक्षिण मुख जो मोर जैसा दिखता है वहाँ से निकलती है करनाली। कैलाश के पूर्व मुख को कहते हैं अश्वमुख। यहाँ से आंगसी नाम के ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। सतलज निकलती है कैलाश के पश्चिमी छोर से, जिसे हाथीमुख कहा जाता है, और सिंधु या इंडस नदी जिसके नाम से ही हिंदू शब्द निकलता है वो निकलती है कैलाश पर्वत के उत्तर से। सिंधु जहाँ से निकलती है उसे सिंहमुख कहा जाता है। कैलाश के पास मानसरोवर के अलावा एक और झील है जो राक्षस ताल या रावण ताल के नाम से भी जानी जाती है। मजे की बात यह है कि ये राक्षस झील एक खारे पानी की झील है, खारा इतना कि यहाँ कोई मछली नहीं मिलती। शुरुआत में हमने आपको बताया था कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। राइनहार्ड मेसनरज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले शख्स थे। इनके अलावा वो 14 अन्य 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी बिना ऑक्सीजन के चढ़ चुके हैं, मगर कैलाश के बारे में मिसनर कहते हैं कि इस पर चढ़ाई बहुत मुश्किल है। उनके अनुसार जिसने कैलाश के शिखर पर जीत पा ली वो लोगों की आत्मा का एक हिस्सा भी जीत लेगा। इसके अलावा एक और दिग्गज पर्वतारोही थे यू रटलिज। रटलिज ने 1930 के दशक में कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, 2 बार कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं रह पाए। रटलिज बताते हैं कि कैलाश की चोटी पर चढ़ना लगभग असंभव है। इसके पीछे का कारण कई लोग पहाड़ के एंगल को बताते हैं, यानी कि पहाड़ की ढलान बहुत तीखी है। एवरेस्ट में एंगल 45 से 60 के बीच है, वहीं कैलाश की चढ़ाई 65 डिग्री है। अंतिम बार इसकी चोटी पर चढ़ने का प्रयास साल 2001 में एक स्पेनी जत्थे ने किया था। कैलाश के धार्मिक महत्व के चलते इसका बहुत विरोध भी हुआ कि क्यों चढ़ रहे हो। इसके बाद चीन की सरकार ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगाई। हालांकि लोग आज भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, लेकिन धार्मिक कारणों से करते हैं। कैलाश की यात्रा के दौरान लोग एक परिक्रमा करते हैं जिसे कोरा भी कहते हैं। ये परिक्रमा 53 किलोमीटर की होती है और इसे पूरा करने में यात्रियों को लगभग 3 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा कैलाश के स्थानीय लोग अप्रैल के महीने में एक त्यौहार भी मनाते हैं, इसे सागा दावा कहा जाता है। कैलाश जाना हो अगर आपको तो कैसे जाएंगे? भारत से कैलाश जाने के 2 मुख्य रास्ते हैं, एक उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा और दूसरा सिक्किम का नाथुला दर्रा।
सिक्किम के नाथुला दर्रे को थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है रास्ता। इसमें लिपू लेक दर्रा की तुलना में चलना भी कम पड़ता है। यात्रा में उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम राज्य की सरकार सहयोग करती है। इसके साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP, कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN और सिक्किम पर्यटन विकास निगम STDC भी अपनी तरफ से यात्रियों की पूरी सहायता करते हैं। मगर यात्रा से पहले सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि यात्रियों की सेहत कुशल है, क्योंकि दुर्गम रास्ता है, यात्रा में जान का भी खतरा रहता है। ऐसे में यदि पहले से कोई कमज़ोर या बीमार हुआ तो उसके लिए यात्रा असंभव हो जाएगी। अतः सरकार ने यात्रियों के लिए उम्र सीमा के साथ कुछ मेडिकल टेस्ट भी अनिवार्य किए हैं। मसलन यात्रा पर जाने की न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम उम्र 70 साल। यात्रियों को BP, डायबिटीज़, अस्थमा या दिल की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। यात्रा का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आवेदनकर्ता के पास पासपोर्ट होना चाहिए। सभी आवेदनों में से लकी ड्रॉ निकाल कर ही जाने वालों का चयन होता है। आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। चयनित यात्रियों की स्वास्थ्य जाँच होती है। इस यात्रा में 25 से 30 दिन लग जाते हैं। भारत सरकार के अलावा कुछ निजी संस्थाएँ भी यात्रा का आयोजन कराती हैं। ऐसी ऊंची यात्राओं में हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होने से वाली बीमारी का खतरा रहता है, इसलिए यदि आप कैलाश जाएं तो अपनी सेहत का ख्याल करके ही जाएं। बहरहाल आज के तारीख के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही ऋचा ने और इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।